क्लॉकटावर थाना पुलिस ने 25 जनवरी की रात एक मोबाइल शॉप से मोबाइल और नजदीकी दुकान से चोरी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। आईपीएस मोनिका सेन ने बताया कि चोरी हुए मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगा रखा था, जिसकी कॉल डिटेल के आधार पर आदर्श नगर निवासी अमित और बबलू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी करना कबूल किया, जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी मोबाइल फोन बरामद कर लिए। 26 जनवरी को क्लॉकटावर थाना क्षेत्र में रूप वॉच के यहाँ पे चोरी हुई थी, जिसमें 5 मोबाइल और कैश चोरी करके ले गए थे। तो उसमें कल हमें कुछ साक्ष्य मिले, जिसमें इसमें 2 चोर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अमित और बबलू हैं। ये दोनों लड़के आदर्श नगर के रहने वाले हैं। अभी पूछताछ में इनसे और भी चोरियाँ खुलने की संभावना है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से नकली कागजात बनाकर एक बेशकीमती जमीन को बेचने के मामले में एक कबूतरबाज को गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि कुछ समय पूर्व जयपुर रोड स्थित अंसल ग्रुप के प्रोपराइटर विशाल कोड ने थाने में रवि नाम के व्यक्ति के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रवि के साथ अंसल ग्रुप ने करार किया था, उसके एवज में उसको 3 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन साल 2016 में रवि ने अंसल ग्रुप की 5 बीघा जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को 15 लाख रुपए में फर्जी तरीके से नकली कागजात बनाकर बेच दिया, जिसके बाद मामले की जानकारी होते ही उन्होंने सिविल लाइन थाने में रवि के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए गुरुवार को आरोपी रवि धारू को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर लिया। अंसल के प्रोपराइटर श्री विशाल गौड़ ने मुकदमा दर्ज कराया है कि ये रवि धारू से हमने कोलैबोरेशन किया था, उस कोलैबोरेशन के तहत इसको 3 लाख रुपए भी दिए, उसके बावजूद इसने 2016 के अंदर 6 महीने में इसने एक हनुमान परेवा उसको बेचान कर दिया और 5 बीघा ज़मीन को 15 लाख रुपए में बेचान करके रजिस्ट्री करवा दी उसकी, जिस पे इसको भी गिरफ्तार किया है।